हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में। लेकिन आज शनिवार है तो हम डेली करंट अफेयर सेशन नहीं, वीकली करंट अफेयर सेशन जो है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है आज का सेशन शुरू करते हैं। आई होप सो मेरी आवाज़ और पिक्चर दोनों क्लियर आ रहे होंगे आप तक, और सेशन की शुरुआत करते हैं जी। और अभी हमारा जो है भाई दोस्तों डाउनलोड भी हो ही चुका है। हाँ जी, तो दोस्तों आज जो है पिछले एक हफ्ते के सिर्फ MCQs नहीं, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी न्यूज़ जो हम वीकेंड पे नहीं पढ़ सके, वो सारी न्यूज़ भी इस पूरे करंट अफेयर में, वीकली करंट अफेयर में मैं पूरी करूंगा। तो ये 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक का कंप्लीट जो है करंट अफेयर है। और यहाँ पर भाई जो विद्यार्थी आ रहे हैं आए तो है नहीं। हाँ जी अभिषेक ठाकुर जी, कुछ बातचीत चल रही है मुझे लगता है विद्यार्थियों की। और सर कंप्लीट है जी? चलिए सर बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है यहाँ पर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों आज की जो पहली न्यूज़ है, मतलब पूरे हफ्ते की इम्पॉर्टेंट न्यूज़, दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो आपको पता है इस हफ्ते 22 तारीख को जो है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो है वो कार्य पूरी तरह से संपन्न हो गया। दोस्तों उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपको पूछे जा सकते हैं वो आपको ज़रूर पता हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो अयोध्या है जिसका किसी समय पर नाम साकेत हुआ करता था, इसको भाई आगे कर दे, इसका नाम किसी समय साकेत हुआ करता था। और हाँ जी ये लिखा क्यों नहीं जा रहा, हाँ जी मुझे लगता है कि हाँ जी अब ठीक है। तो दोस्तों जिसका मुझे लगता है कि थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, एक समय का जो है मैं समय लूंगा आपसे एक मिनट का। और हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनको जो है एक बार कॉल करके मैं बुला लूं, क्योंकि या तो ये आगे हो रहा है या फिर जो है दोस्तों इस पे लिखा नहीं जा रहा। तो जैसे अभी जब तक वो आ रहे हैं तब तक मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं। तो जो अयोध्या है, तो अयोध्या दोस्तों जो कि जिसको साकेत भी कहा जाता था, फैजाबाद भी कहा जाता था, और बुद्ध और महावीर की ये जो धरती है दोस्तों जो कि सरायू नदी के ऊपर है, जहाँ पर कहा जाता है कि पांच तीर्थकार का जन्म स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो आपको को काफ़ी बार बता भी चुका हूँ दोस्तों, ये जो ब्लूइश ब्लैक काले और नीले रंग की जो मूर्ति बनाई गई थी, कहा जाता है कि ये रंग भगवान के सबसे करीब है। और ये जो मूर्ति है दोस्तों 5 साल के जो है भगवान श्री राम के जो है जन्म समय की है। और ये जो मूर्ति है इसको बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम जो है अरुण योगीराज है। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं मंदिर के स्कल्पचर की बात करूँ, डिज़ाइन की बात करूँ, मंदिर का ये जो डिज़ाइन है ये चंद्रकांत सोमपुरा जी द्वारा जो है ये दोस्तों डिज़ाइन जो है वो किया गया। यहाँ पर जो है चीफ आर्किटेक्चर सभी की लिस्ट है, कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने बनाया उसका नाम लार्सन एंड टॉर्बो है। दोस्तों इसमें जो एडवाइजर के तौर पे जो काम किया IIT चेन्नई, बॉम्बे, गुवाहाटी, इसके अलावा दोस्तों CBRI रुड़की, SVNIT सूरत, NGRI हैदराबाद, और अरुण योगी राज के साथ उनके असिस्टेंट भी थे दो, जिनमें गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे जो हैं वो शामिल हैं। दोस्तों ये जो मंदिर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें जो नई मूर्ति राम जी की लाई गई उसको नाम दिया गया है अचल मूर्ति का। और दोस्तों ओल्ड जो मूर्ति थी जो कि टेंट में कई वर्षों से जिसकी पूजा अर्चना हो रही थी उसको जो नाम दिया है वो दिया है उत्सव मूर्ति का। तो अचल मूर्ति, उत्सव मूर्ति, ये भी आपको साथ साथ याद रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इस मंदिर के आर्किटेक्चर की, तो इस मंदिर का आर्किटेक्चर जो गुप्त वंश में उत्तर भारत में बने जो मंदिर थे जो कि दोस्तों नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, तो ये जो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जहाँ पर हम देखते हैं गर्भगृह है, उसके आगे दोस्तों जो है महामंडप है, फिर मंडप,
मंडप है और एंट्रेंस है, तो इस आधार पर जो है ये बनाया गया था। तो इस नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, आपको पता है भारत में कई तरह के स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हैं दोस्तों, चाहे वो द्राविड शैली के मंदिर हों, चाहे वो कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो, तो ये जो है ये हमारा नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जिसके ऊपर ये जो मंदिर है बनाया गया है। तो ये सारी ही बातें दोस्तों जो आपको बताई हैं यहाँ पर लिखी हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो ये कम से कम जो है 12-13 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सारे ही आपको याद रखने हैं, एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों इसी हफ्ते हमने देखा कि 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जो है जन्मदिन था, और जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में हमने सेलिब्रेट किया। इस मौके पर दोस्तों भारत की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उन्होंने भारत पर्व नाम से, मैं रिपीट कर दूं, भारत पर्व नाम से टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इस 9 दिन का सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के लाल किले में दोस्तों एक जो है एक उत्सव भी जो है उसका दोस्तों जो है शुरुआत की। और इसका जो पर्पज़ था ताकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई जो जिंदगी के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं दोस्तों, जो उनकी घटनाएं हैं, उनको जो है वो पेंटिंग्स के जरिए जो है दोस्तों तस्वीरों के जरिए है लोगों को दिखाया जा सके। और साथ ही साथ दोस्तों और भी कई महान भाव, उनसे जुड़ी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी तस्वीरों भी इस जो है पूरे दोस्तों जो है म्यूजियम में, इस पूरे जो है कला केंद्र में दिखाई गई थी। तो भारत पर्व इसका नाम था और नेताजी सुभाष चंद्र जी का बर्थडे, और इनके बारे में दोस्तों विकिपीडिया से जुड़ी सारी जानकारी आपको जरूर पता हो, जिसमें इनका जन्म 1897 आज के उड़ीसा के कटक में हुआ था, और फिर 1938 में ये जो है दोस्तों इंडियन नेशनल, ये जो है कांग्रेस पार्टी के हरिपुरा में प्रेसिडेंट बने, 1939 में भी प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद 1943 में दोस्तों इन्होंने जो है रिवाइवल किया इंडियन नेशनल आर्मी को, और उसके बाद जो हुआ दोस्तों वो आज तक एक इतिहास ही है। तो जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ये सारी जानकारियाँ जो हैं आपको इनके बारे में ज़रूर पता हों। फिर इस हफ्ते दोस्तों जो मैरी कॉम, आप सबने इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा, यहाँ पर देख लें बच्चे जो आ रहे हैं, हाँ जी गुड आफ्टरनून जी, तो रंजीता गुड आफ्टरनून, पुष्पा, विनोद, तो जो मैरी कॉम है इन्होंने दोस्तों रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है। मैरी कॉम बॉक्सिंग की भारत की बहुत बड़ी प्लेयर थी, और दोस्तों इन्होंने सिर्फ एक बार दो बार नहीं 6 बार जो है दोस्तों वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, वर्ल्ड विजेता थे। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग के नियम ये बोलते हैं कि 40 साल के बाद लड़के या लड़कियों को बॉक्सिंग दोस्तों वो नहीं खेल सकते, इनकी उम्र जो है अब 42 वर्ष हो चुकी है। तो अभी इस पर्पज से दोस्तों, हालांकि इन्होंने कहा कि मैं आज भी उतना ही फिट फाइन महसूस करती हूँ जितना 10 साल पहले किया करती थी, लेकिन नियमों के कारण जो है इनको अनाउंसमेंट लेनी पड़ी। दोस्तों इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने 2012 का जो दोस्तों 2012 की जो हमारी ओलंपिक गेम्स थी लंदन में, वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ये गोल्ड मेडल जो है विजेता है मैरी कॉम, और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के रूल्स के कारण जो है इनको दोस्तों ये फैसला लेना पड़ा, और ये राज्यसभा की जो है नामांकित नॉमिनेटेड मेंबर भी जो है वो रही हैं। फिर दोस्तों ये ICC के क्रिकेट अवार्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है हर साल के जो है बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट दोस्तों जो है क्रिकेटर्स, अंपायर्स की जो एक लिस्ट निकालती है, और दोस्तों इस लिस्ट में भाई जो सबसे बेस्ट ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे मैचेस का सबसे बेस्ट जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है वो विराट कोहली को मिला है। इसके अलावा दोस्तों T20 की बात करें, T20 का बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है वो सूर्य कुमार यादव को मिला है। इसके अलावा दोस्तों सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ये सर जो जब बात करते हैं गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी की, ये प्लेयर थे वेस्ट इंडीज के, और दोस्तों जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है हर साल, हर एक अगर हम दोस्तों क्रिकेट के फॉर्म में देखें तो उसको ये ट्रॉफी दी जाती है, और इस बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट क्यूमिंस को दिया गया है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को मिला है। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है न्यूजीलैंड के रचिन रविंदर को दिया गया है। वही दोस्तों अगर हम महिलाओं क्रिकेटर की बात करें तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है इंग्लैंड की नेट शीवर ब्रेंड को दिया गया है। ODI क्रिकेटर है दोस्तों शमारी अष्टपदु,
T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हाइले मैथ्यूज, इमर्जिंग क्रिकेटर का जो अवार्ड है वो फाइबा लिचफील्ड को जो है वो दिया गया है। और अगर मैं बेस्ट अंपायर का जिक्र करूं तो दोस्तों ये जो अंपायर हैं जिनका नाम है रिचर्ड लिंगवर्थ, आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं रिचर्ड लिंगवर्थ की, और इनको ये है दोस्तों ये अवार्ड है वो दिया गया है। तो और इस डेविड शेफर्ड ट्रॉफी, डेविड शेफर्ड एक बड़े मशहूर अंपायर थे, तो ये जो बेस्ट आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर है दोस्तों इस ट्रॉफी का नाम डेविड शेफर्ड ट्रॉफी है, जो कि रिचर्ड लिंगवर्थ को जो है इस साल जो है वो दी गई। और ये तस्वीरें हैं पैट क्यूमिंस की, और दोस्तों दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं नेट शीवर इंग्लैंड की प्लेयर की, तो ये बेस्ट क्रिकेटर जो है 2023 के मेल, और ये बेस्ट जो है वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर है 2023 का ये अवार्ड इस तरह से दिया गया है। इसके अलावा इस हफ्ते हमने देखा कि जो नाटो है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इसमें जो टोटल पहले 31 मेंबर्स हुआ करते थे, और अभी पिछले साल ही फिनलैंड इसका नया मेंबर बन चुका था। तो दोस्तों नाटो में जब 2022 में दो कंट्रीज ने दोस्तों एप्लीकेशन दिया था मेंबर बनने के लिए, उनमें से फिनलैंड के अलावा एक स्वीडन भी था। तो फिनलैंड तो आप सभी को पता है इसका मेंबर बन चुका है, लेकिन स्वीडन का अभी भी कई कंट्री ने अप्रूवल नहीं किया। लेकिन इस हफ्ते हम देखते हैं दोस्तों टर्की, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण और एशिया का इकलौता ऐसा दोस्तों देश है जो कि नाटो का मेंबर है, उसने अप्रूवल कर दिया है स्वीडन एंट्री नाटो। और अगर दोस्तों ये एक दो कंट्रीज और बचे हैं, अगर वो भी अप्रूवल कर देते हैं तो नाटो का ये 32वां जो है मेंबर होगा। तो ओनली वन कंट्री हंगरी स्टिल मस्ट रेटिफाई स्वीडन, हंगरी ने अभी रेटिफाई नहीं किया है, हंगरी जैसे ही रेटिफाई करेगा तो दोस्तों नाटो का ये मेंबर हो जाएगा। और नाटो में फिनलैंड 31वां था, और ये दोस्तों अगर हंगरी कर देता है तो स्वीडन जो है इसका 32वां जो मेंबर है वो बन जाएगा मेंबर। दोस्तों नाटो के बारे में बेसिक जानकारी लें, ये एक मिलिट्री कॉपरेशन है। मिलिट्री कॉपरेशन का मतलब जैसे बचपन में हम दोस्त होते थे ना, अगर आप चार दोस्त हैं तो एक पर अटैक हुआ तो चारों ने जो है मिलकर भाई उस पर अटैक कर दिया, तो ऐसे ही अभी 31 कंट्रीज का ग्रुप हो चुका है जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके सेक्रेटरी का नाम है अभी जेंस स्टोल्टनबर्ग, और 1949 में जो है बनाया गया था। और ये जो 31 कंट्रीज का अगर मैं जिक्र करूं तो दोस्तों इसमें यूरोप के ही मैक्सिमम कंट्री हैं, अमेरिका कनाडा और टर्की को छोड़कर। और आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी बड़ा विवाद यही है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो दोस्तों मेंबर बनना चाहता है नाटो का, और पड़ोसी मुल्क है रशिया का, तो रशिया को ये नहीं मंजूर कि उसका पड़ोसी कोई भी मुल्क जो है वो नाटो का हिस्सा बने और उसके बॉर्डर्स पर नाटो की फोर्सेस आकर जो है वो बैठ जाएं, जिस वजह से दो साल होने को हुए हैं ये युद्ध जो है समाप्त ही नहीं हो रहा। इसके अलावा भाई जो बच्चे आए हैं जी, सर आजकल कल बात कर नहीं आज की बात कर रहे ने, हां जी आज मैथ की क्लास नहीं हुई सर, छुट्टी पे हैं जी, ठीक है पहली बात तो ये है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों जो है ये हमने बात की थी स्वीडन की। फिर दोस्तों रिसेंटली उड़ीसा में ये जो इस तरह के टाइगर जिन्हें मेलेंस्टिक टाइगर बोलते हैं, मेलेंसिंग टाइगर का मतलब है दोस्तों जिनके ऊपर इस तरह की ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स जो है नजर आ रही हो, और भारत में पहली बार उड़ीसा का जो सिमलीपार टाइगर रिजर्व है दोस्तों, सिमलीपार टाइगर रिजर्व में जो है ये इस तरह के शेर मिले हैं, लायन मिले हैं, और वहां पर उड़ीसा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तैयारी कर रही है दोस्तों सफारी शुरू करने की, ताकि इसका जो टूरिज्म है इस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का वो इंक्रीज किया जा सके। और ये दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से 15 किलोमीटर थोड़ा दूर है ये साइट, जहां पर ये दोस्तों सवारी है शुरू की जाएगी। और हम देखते हैं कि दोस्तों जो है इससे जो है उड़ीसा का जो टूरिज्म है वो काफी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है अनाउंस किया है, और इज द ओनली होम फॉर द मेलेंस्टिक, और पूरी दुनिया में दोस्तों ये सिमलीपाल टाइगर जो है ये सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही जो है वो देखे गए हैं, जिस वजह से यहाँ का टूरिज्म है, जो भी पशु प्रेमी हैं लायंस को देखना चाहते हैं वो बड़े स्तर पे आएंगे, ऐसी उम्मीद है। फिर 22 तारीख को आपको पता है प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है दोस्तों वो कंप्लीट हुआ, संपन्न हुआ, करोड़ों अरबों लोग जो हैं दोस्तों जो रामलला की उन तस्वीरों को देखकर भावुक हुए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये भी था कि दोस्तों जो मस्जिद है उसको भी अयोध्या में जो है 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, और उस दिन अनाउंस हुआ कि दोस्तों एक बड़ी ही भव्य मस्जिद भी, जिसका नाम जो है वो है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं रिपीट कर दूं मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दोस्तों ये अयोध्या में बनाई जाएगी। और ये जो मस्जिद है दोस्तों इसकी जो अनाउंसमेंट है वो कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने, जिसे हम IICF भी बोल देते हैं, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है ऐसा उम्मीद है कि 1 मई
अभी दोस्तों मार्च अप्रैल तो मई में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो जाएगी और ऐसी उम्मीद है कि 4 साल में दोस्तों ये मस्जिद है बनकर पूरी तरह से तैयार होगी। साथ ही साथ मस्जिद में एक 500 बेड का हॉस्पिटल का भी जो है वो निर्माण किया जाएगा ताकि वहाँ पर जो है जो ज़रूरतमंद जो मरीज़ हैं उनको जो है सस्ते रेट्स के ऊपर इलाज जो है वो दिया जा सके। तो दोस्तों ये मस्जिद का नाम याद रखें, ये जो मस्जिद बनेगी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, और दोस्तों जो है इनको भी उस टाइम पीरियड में कहा गया था कि 5 एकड़ जमीन देकर जो है भव्य मस्जिद बनाने का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वो दिया गया था। फिर उसके बाद जो है हमारी अगली जो जो दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है हमारे हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ। हिमाचल प्रदेश के दोस्तों बखलो में जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच एक एक्सरसाइज जो है मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई इस हफ्ते, जिसका नाम जो है दोस्तों वो खंजर था। आपको याद होगा हमने 2 एक्सरसाइजेस का जिक्र किया था, खंजर और भारत और किर्गिस्तान में, और एक भारत और इजिप्ट में एक्सरसाइज दोस्तों इस हफ्ते शुरू हुई जिसका जो नाम है वो दोस्तों है साइक्लोन। तो खंजर और साइक्लोन दोनों के नाम जो है आप याद रखें हिमाचल के लिए, खास तौर पे ये बखलो में होगी इंडिया और किर्गिस्तान, तो ये हमारे लिए थोड़ी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को ही दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो लॉन्च की, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जिसमें कि 1 करोड़ जो पैनल हैं सोलर पैनल्स को जो है भाई भारत में उनको देने का जो है प्रस्तावना वो पास की गई ताकि भारत में हम क्लीन एनर्जी के अपने जो टारगेट है जो 2022 तक पूरे नहीं हो पाए उन्हें हम एटलीस्ट जो 30 गीगावाट का जो टारगेट था दोस्तों निर्माण करने का 2026 तक जो है उन्हें 31 दिसंबर उन्हें हम अचीव कर पाए। तो याद रखें प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना और टारगेट जो है आपको इसका याद रखना है। साथ ही साथ बता दूं दोस्तों जो है दुनिया में जो एक ही दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भारत में है वो भी सोलर से ही जुड़ा हुआ है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर लाइंस। आप देखते हैं कितने ही सारे हेडक्वार्टर जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में है, लेकिन इंटरनेशनल सोलर लाइंस का जो हेडक्वार्टर है वो भारत में है, गुड़गांव में है, और जो है भारत जो है अपने अब टारगेट्स को लेकर 2026 तक जो है वो दोस्तों स्थगित कर दिया है। 2026 तक जो है हम अपने टारगेट है पूरे करेंगे और सूर्योदय योजना जो है उसको लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करेगी। मस्जिद मोहम्मद के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। फिर दोस्तों ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं दिलजीत सिंह चौधरी, इनको जो है सशस्त्र सीमा बल का जिक्र करें। भारत की दोस्तों वन ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आपको सभी को पता है CRPF, CISF, BSF, ITBP, NSG, असम राइफल और एक सशस्त्र सीमा बल, इसके डायरेक्टर जनरल के तौर पे जो काम करेंगे दिलजीत सिंह चौधरी साहब जो है वो करेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस तरह की अपॉइंटमेंट की तो पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में प्रधानमंत्री जो है दोस्तों इलेक्शन हुआ था तो दोबारा से शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री बनी है 5वीं बार। दोस्तों भारत में अभी दिसंबर की शुरुआत में 5 राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने थे और मैं उम्मीद करूँगा जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे बच्चे जो है मुझे बताएं वो 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है और जो है दोस्तों जो है मध्य प्रदेश है और मिजोरम, उन के जल्दी से मुझे बताएं। और यहां पर जो है इसके अलावा जो है जिक्र करें दोस्तों अभी फरवरी में पाकिस्तान में भी इलेक्शन होगा, देखना होगा वहां भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जो है वहां का नया प्रधानमंत्री जो है बन पाता है। उम्मीदें तो यही जताई जा रही हैं कि नवाज शरीफ ही वहां के जो है वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन लेट्स सी आप में से कितने बच्चे देख पाते हैं भाई जो है वो मुख्यमंत्रियों के नाम जल्दी से बताएं। फिर दोस्तों रिसेंटली ही 23 जनवरी को जिस दिन हमने सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे ऑब्जर्व किया उसी दिन इंडेंजर्ड अल्फाबेट्स, दोस्तों बहुत सारे ऐसी भाषाएं हैं जिनके जो शब्द हैं उनको आज तक हम डीकोड नहीं कर पाए, उनको समर्पित एक दिन 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया इंडेंजर्ड अल्फाबेट्स राइटिंग अवार्ड 2024। और इसका पर्पज था कि भारत में बड़ी सारी जो स्क्रिप्ट आज तक समझी नहीं जा सकी, जैसे हड़प्पा की स्क्रिप्ट आज तक नहीं समझी जा सकी, दोस्तों उसको सेव करना है। सेव ए कल्चर, सेव ए स्क्रिप्ट, सेव ए कल्चर, और ये डे है वर्ल्ड इंडेंजर्ड राइटिंग डे, 23 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट जो है किया जाता है। इसके अलावा भाई हमने बात की दोस्तों प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम जिसका नाम है ड्रोन दीदी, और ड्रोन दीदी के तहत भारत भर में 10,000 से ज़्यादा लड़कियों को, औरतों को दोस्तों ट्रेनिंग देनी है ताकि ड्रोन के जरिए होने वाले बड़े सारे जो
काम है, बड़े सारे जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि खेतों में दोस्तों जो है अगर ट्रेनिंग है तो उसके जरिए पेस्टिसाइड किया जा सकता है, इस तरह के बहुत सारे जो काम जिससे कि रोजगार भी मिल सके। लेकिन उससे पहले स्किल डेवलपमेंट सीखनी होगी ड्रोन से जरिए हुए, और खासतौर पर लड़कियों को सिखाई जाएगी। इस वजह से इस स्कीम का जो नाम है वो ड्रोन दीदी रखा गया है। और ये ड्रोन दीदी दोस्तों, यहां पर माफ कीजिए मैंने 10,000 कहा, 15,000 ड्रोन दीदी अक्रॉस द कंट्री, जिससे कि टेक रेवोल्यूशन में जो है खासतौर पर एग्रीकल्चर में ये जो लड़कियां हैं एक अहम जो है रोल जो है करियर के तौर पे वो जो है निभा सकें। फिर इसके बाद जो है अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो हमारे जो है आप सबको पता है 54वां हमारा जो है वो दोस्तों स्टेटहुड डे था 25 जनवरी 1971 को, 71 को जो है जो यूटी थी हिमाचल दोस्तों उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, जो कि भारत का 18वां जो है वो राज्य था। और दोस्तों इसको लेकर जो है 1970 में स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट जो है पार्लियामेंट ने पास किया, और जिससे कि हिमाचल प्रदेश जो कि कई सारे पहाड़ी इलाके और पंजाब के कई सारी पहाड़ी इलाकों को बना के जो है एक नए राज्य की जो स्थापना की गई दोस्तों, जो कि बड़ा भावनात्मक जो है दोस्तों एक दिन था हमारे लिए, और इस दिन जो है हम हिमाचल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ देश में इसे टूरिज्म डे के रूप में भी सेलिब्रेट है किया जाता है। और यहाँ पर बच्चों ने जिन्होंने लगभग सभी ने लिखा है उत्तर, बहुत ही बढ़िया, विशाल, निशा, पवन और कुमारी, करिश्मा एक ही लिखा है, सपना शर्मा दो ही लिखे हैं, विशाल ठाकुर भी लिख रहे हैं, पूनम धीमान भाई, बाकी जो बच्चे नहीं लिख रहे, मैं ये चाहता हूँ अब शॉर्ट फॉर्म लिखें, लेकिन लिखा ज़रूर करें, पार्टिसिपेट ज़रूर किया करें। इसके अलावा दोस्तों हमने पढ़ा था भाई, ये चर्चाएं तो की हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कि भाई 10,000 से ज़्यादा जो वैकेंसीज है बड़ी जल्दी आने वाली है, कल कुछ वैकेंसीज आई भी है, आप सभी को पता होगा, उसकी भी एक नोटिफिकेशन जल्दी ही अलग से मैं शेयर करूंगा, जो कि दोस्तों हमारी विधानसभा से जुड़ी कुछ नौकरियां हैं वो इन्होंने जो है वो उसके लिए जो है फॉर्म जरूर निकाला है। तो नेशनल टूरिज्म डे 25 तारीख, और इसका इस साल का जो थीम है वो है सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी, ये थीम बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं, ये साथ साथ जरूर याद रखें। इसके अलावा दोस्तों इलेक्शन कमीशन का जो है निर्माण हुआ था 1950 में, और इस दिन हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और नेशनल वोटर्स डे 25 तारीख को इसका थीम था नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। और यहां पर यह भी बता दूं दोस्तों भारत में इस साल जो लोकसभा का इलेक्शन होगा वो 18वां जो है हमारा इलेक्शन है, 18वां लोकसभा का इलेक्शन। भारत में लोकसभा की बात करें तो पहला इलेक्शन 1951-52 में हुआ था, एज ए हिमाचली तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आजाद भारत का पहला जो इलेक्शन था उसका पहला वोटर भी एक हिमाचली ही था। जल्दी से बताएं किन्नौर के किस व्यक्ति द्वारा है दोस्तों ये वोट डाला गया था, पहले हमारे चीफ इलेक्शनर थे उनका नाम सुकुमार सेन था, आज हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम राजीव कुमार है। दोस्तों इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे जी जो है वो काम कर रहे हैं, और नेशनल वोटर्स डे आई वोट फॉर श्योर जो है वो इस बार जो है इनका थीम है। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर ही चुके हैं रामलला की, और जो है अयोध्या में जो मंदिर है उसका, अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों, और वहां का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम अयोध्या धाम जंक्शन जो है वो रखा गया। इसके अलावा दोस्तों हमने इस हफ्ते देखा कि लगभग 5 वर्ष के बाद गवर्नमेंट ने फिर दोबारा से भारत रत्न की जो है दोस्तों दोबारा से शुरुआत की, भारत रत्न अनाउंस किया, लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे श्याम शरण नेगी जी का नाम लिख रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों जो है बिहार के पूर्व जो है शिक्षा मंत्री दोस्तों, बिहार के पूर्व जो है उप मुख्यमंत्री, बिहार के दोस्तों पूर्व जो है दो बार बनने वाले मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी, और 2 बार मुख्यमंत्री दोस्तों 1970 और 1977 में जो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए काम करने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो है 2024 के लिए भारत रत्न, जो कि देश का सर्वश्रेष्ठ जो है अवार्ड है, वो दोस्तों देने की जो है अनाउंसमेंट वो की है। और दोस्तों जो है ये पूरे भारत रत्न की लिस्ट है, आज तक 48 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है, और 49वें जो है वो कर्पूरी ठाकुर जी होंगे। जब 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी तो दोस्तों उस साल 3 लोगों को, जिनमें सीवी रमन, राजा गोपालाचार्य और राधा कृष्णन जी थे, और दोस्तों अब जो है एक साल में मैक्सिमम ये 3 लोगों को दिया जा सकता है। कई वर्ष ऐसे भी होते हैं जब ये नहीं दिया जा, अगर मैं मोदी गवर्नमेंट की बात करूं 10 वर्ष की तो 2015 में और फिर 2019 में ही ये अवार्ड दिए गए थे, और अब 24 में ये अवार्ड हैं अनाउंस हुए हैं। तो ये सारे के सारे याद रखें आज दोस्तों। साथ ही साथ आपको याद होगा परसों 25 तारीख को जो है पद्म अवार्ड्स भी अनाउंस हो चुके हैं, उनके बारे में भी आज जो है हम खुलकर जो है बात करेंगे। तो यहाँ पर आप कर्पूरी
ठाकुर जी के बारे में जो है जान सकते हैं, सब कुछ बता ही दिया आपको, और इसमें किसी भी तरह का हमारे रत्न अवार्ड में कैश प्राइज नहीं दिया जाता दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप अपने नाम के आगे जो है दोस्तों ये आपका सम्मान है एक, और जो है आपको इसमें एक सनद सर्टिफिकेट राष्ट्रपति द्वारा साइन किया हुआ, और इसके अलावा दोस्तों एक ट्रॉफी, यही कुछ जो है दिया जाता है दोस्तों, कैश किसी भी तरह का अवार्ड नहीं दिया जाता। तो और कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पूरी जो जानकारी है यहां पर भी लिखी है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 1924 में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, और दोस्तों इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर ये अवार्ड जो है वो आया है। जब तक हम बात करेंगे दोस्तों, सोमवार को जब मैं आपको लेक्चर लूंगा तो सोमवार तक बिहार में परिस्थितियां बदल गई होंगी, और क्योंकि वहां पर ऐसी खबरें आ रही हैं बिहार में नीतीश कुमार दोबारा से अपनी सरकार को डिसॉल्व करके दोस्तों जो अभी सरकार कांग्रेस और जो है वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी जनता दल के साथ चला रहे हैं, अब उन्हें लग रहा है कि भाई उनके साथ आगे नहीं निभ पाएगी, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन भी आ रहा है और लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में मोदी गवर्नमेंट आ सकती है। तो इन संभावनाओं को लेकर दोबारा से बीजेपी से वो गठबंधन कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल तक जो है दोस्तों दोबारा से वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, और परसों जो है ये हमारी जो है करंट अफेयर का वो हिस्सा भी बनने वाला है। फिर इसके बाद जो है दोस्तों ये हमारी लोकसभा के इलेक्शन, फिर भारत की जो स्टॉक मार्केट है दुनिया की दोस्तों चौथी बड़ी लार्जेस्ट मार्केट बन गई है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यूएशन, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है दोस्तों वो यूएस की है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जापान है, और चौथे पे जहां पहले हांगकांग हुआ करता था हांगकांग को पछाड़ कर अब हम दुनिया की चौथी बड़ी जो है दोस्तों शेयर मार्केट वैल्यूएशन वाली जो है वो देश बन चुके हैं। इसके अलावा हमने दोस्तों केरला का ये जो मंदिर है जिसका नंबर नाम है श्री भद्रा देवी टेम्पल, जो केरला में है कोल्लम में, और वहां पर जो गज मेला आयोजित किया जाता है उसकी भी तस्वीरें जो है आपको दिखाई थी। फिर हमने दोस्तों ये राहुल ये रवि शास्त्री हैं हमारे भारतीय टीम क्रिकेटर और कोच भी रहे, और इनका जो नाम है ये है फारूक इंजीनियर, इन दोनों को इस साल दोस्तों बीसीसीआई द्वारा दिए गए अवार्ड कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मैं रिपीट कर दूं सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है इन दोनों ही जो है प्लेयर्स को। तो दोस्तों इसके अलावा बाल पुरस्कार भी दिए गए इस हफ्ते जो है, और इनकी पूरी की पूरी लिस्ट दोस्तों यहां पर है, इनको भी एक बार जो है आप जो है रिवाइज जरूर करते रहें। और 1 फरवरी को मतलब अगले हफ्ते दोस्तों बजट भी आएगा, बजट जो है 1 तारीख को भारत का पेश किया जाएगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे, और खास साथ ही साथ दोस्तों डेनिस फ्रेंसिस इस हफ्ते 5 दिन के दौरे पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं डेनिस फ्रेंसिस साहब वो भारत पे आए थे, और भारत की जनरल असेंबली में जो हम लगातार परमानेंट सीट को लेकर जो है बात कर रहे हैं उसको लेकर जो है दोस्तों इन्होंने सहमति भी जताई है डेनिस फ्रेंसिस साहब ने, तो ये भी याद रखें। फिर राम मंदिर के मुद्दे पर भाई पूरे कैबिनेट ने दोस्तों जो है कैबिनेट ऑफ मिलेनियम का दर्जा जो है दिया है हम इस कैबिनेट को, और थैंक यू प्राइम मिनिस्टर नामक बिल भी पास किया गया है कि भारत में 500 साल पुराने जो है दोस्तों जो लोगों की भावनाएं थी मंदिर को लेकर उसका निर्माण किया है, तो थैंक यू प्राइम मिनिस्टर रेजोल्यूशन और कैबिनेट ऑफ मिलेनियम, ये दोनों ही कैबिनेट द्वारा जो है इनको दोस्तों अप्रूवल जो है दी गई है। तो ये थे हमारी कुछ खास खबरें। इसके बाद जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज का जिक्र तो बहुत बार हो ही चुका है, अभी 2-4 दिन और करेंगे दोस्तों, जिसमें आप भी मुझे शेयर कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि भाई ये कब कब है हमारा दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है, आप बताएं, विश्व हिंदी दिवस कब होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, ब्राइड्स डे कब होता है, वेटरन्स आर्मी डे, नेशनल आर्मी डे दोस्तों, पराक्रम दिवस, फिर टूरिज्म डे, आज तो काफ़ी दिन बाद भी हुई है, और 26 तारीख को कस्टम ड्यूटी डे भी है, और 30 तारीख को कुछ दिन बाद हमारी गांधी जी की पुण्यतिथि जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं एज ए शहादत दिवस के बारे में, तो वो भी आप साथ साथ हैं वो ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस हफ्ते जो है हमने 2 गिरिराज पढ़े, इन दोनों गिरिराज से जुड़े हम जो क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि झांकी हिमाचल में चंबा का जो है लोक नृत्य है, हिमाचल का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर जो बद्दी है, शिमला से भारत आंदोलन का नेतृत्व राजकुमारी अमृत कौर ने किया था, चौबिया यात्रिया मार्ग जो है लाहौल और भरमौर के बीच स्थित है, पार्वती नदी ब्यास की जो है वो दोस्तों गौण नदी है, शोणितपुर जो है सराहन का प्राचीन नाम है,
केंद्रीय चावल अनुसंधान ये कटक उड़ीसा में है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव्स है। फिर दोस्तों दुनिया के मजदूर एक हो, ये बात कार्ल मार्क्स ने कही थी। मंगल ग्रह का लाल रंग जो है वो दोस्तों आयरन ऑक्साइड के कारण है। फिर बोनी जो है वो टमाटर फसल की प्रजाति है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी। जॉर्जियन कैलेंडर की शुरुआत 1582 में हुई थी। सियाचिन में तैनात पहली प्रथम महिला ऑफिसर गीतिका कौल हैं। और दूसरा दोस्तों जो गिरिराज है, जो अभी हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, यहां पर है कि हाल में ही क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हिमाचल को जो प्रथम स्थान दिया गया वो स्टार्टअप के जो है रैंकिंग में जो है प्रथम स्थान मिला है 2022 को लेकर। और जो है इसके अलावा हिमाचल के किस योजना के तहत विधवा एकल नारियों को घर के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। फिर सुकेती जीवाश्म उद्यान हिमाचल के जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। चंबा के शासकों को जो है ये भगवान श्री राम का वंशज माना जाता है। भुंडा त्यौहार परशुराम जी से जुड़ा हुआ है। 1923 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दोस्तों 1923 में ये लेखक संजीव के उपन्यास मुझे पहचानो को दिया गया है। मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पर ये 1923 नहीं 2023 आएगा। मुझे लगता है गिरिराज वालों ने थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो गलत लिख दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देख लूंगा एक बार ये सही है गलत है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 जो है वो हरियाणा ने जीत ली है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जो है दोस्तों सबसे शक्तिशाली महिलाओं में पहला जो स्थान है वो उर्सुला वॉन डेर लेन का है। और फिर दोस्तों जो है भारत में मतदान की आयु सीमा 21 से 18 1999 में जो है कर दी गई थी। और हमारी हड्डियां और दांत जो हैं वो ट्राई कैल्शियम फोस्फेट से बने होते हैं। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी जो है वो दोस्तों पिनार से जो है वो निर्मित है। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न थे हमारे दोस्तों जो हैं इस बार के जो गिरिराज की दोनों इंपॉर्टेंट जो हैं वो न्यूज़पेपर थे। तो ये 2023 है। हाँ जी पुष्पा सूर्यवंशी ने भी बता दिया, बहुत ही बढ़िया। तो इसके बाद कि हम एमसीक्यूज करेंगे। तो भाई आर यू रेडी फॉर द एमसीक्यूज? हाँ जी तैयार हो, रेडी हो? अभी तक का जो सेशन आपको पढ़ाया है समझ आया कि नहीं जल्दी से बताएं। साथ ही साथ जो है सेशन को शेयर लाइक भी साथ साथ है वो जरूर कर दें जी। तो ठीक है, तो भाई यस सर करें ताकि आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों आज का जो पहला जो प्रश्न है वो है बताएं कि भाई इनमें से किसने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो जारी की है? कौन सी संस्था द्वारा हर साल ये रिपोर्ट जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, IMF या WTO? तो दोस्तों ये हमेशा याद रखें, हर साल ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ये रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक जिसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है और जिसके जो प्रेसिडेंट हैं एक भारतीय हैं जिनका नाम आप सभी को पता है, अजय बांगा जी। ये भी आपको साथ साथ है याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, हाल में ही दोस्तों SpaceX, आपको पता होगा SpaceX जो एलन मस्क की कंपनी है, उसके X3 मिशन में एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाला पहला तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन बना? अल्पार, रैना, क्रिस्टीना या विक्टर? जैसे भारत में तो सबसे पहला जो यात्री बना था दोस्तों वो बना था जो है राकेश शर्मा। अब यहाँ पर ये SpaceX के जरिए जो एलन मस्क की कंपनी के जरिए जो बना, इस व्यक्ति का जो नाम है दोस्तों ए अपार गेजर वासी जो है इसका नाम है। और यहाँ पर आप इसकी तस्वीर भी जो है वो देख सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न देखें ध्यान से, भाई हाल ही में किसको मरने के बाद मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, ये मिला? मिंदेश्वर पाठक, वैजयंती माला या फिर कोनी डिला चिरंजीवी या पद्म सुब्रमण्यम? क्या है इसका सही उत्तर? तो दोस्तों जो है अगर हम बात करें, यहां पर बच्चों के उत्तर भी आ रहे हैं, तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और भारत में कई वर्षों तक दोस्तों एनवायरमेंट के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, बिंदेश्वर पाठक जी को इस बार पद्म विभूषण मिला। सिर्फ इन्हें ही नहीं दोस्तों 5 लोगों को जो है मिला है पद्म विभूषण, जिसमें भारत के पूर्व जो है अर्बन अफेयर मिनिस्टर और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी भी हैं दोस्तों। इसके अलावा वैजयंती माला बाली जी भी हैं, वैजयंती माला बाली, और फिर एक पद्म सुब्रमण्यम है। तो ये 5 लोग हैं
रिपीट कर दूं, पद्म विभूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों व्यक्ति, वैजयंती माला बाली, दोस्तों कौंडिल्य चिरंजीवी, ये भी जो है साउथ इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्म सुब्रमण्यम। इसके अलावा जो है भाई अगर मैं बात करूं 17 पद्म विभूषण को मिला है और 110 पद्मश्री हैं। पद्म भूषण की बात करें तो फातिमा बीवी दोस्तों इनका पीछे ही कुछ दिन पहले ही निधन हुआ था और ये सुप्रीम कोर्ट में महिला जज जो है बनने वाली पहली जो है महिला थी जज बनने वाली 1999 में जो है दोस्तों जो है ये जज बनी थी और कुछ हफ्ते पहले इनका देहांत हुआ था। इसके अलावा होरमोशी कामा, मिथुन चक्रवर्ती, आपको सभी को पता है इनका नाम, बड़े फेमस एक्टर हैं, इनका फेवरेट डांस भी आपको पता होगा है ना बड़ा, यहाँ पर आपको क्या ही करके दिखाऊं। फिर जो है सीताराम जिंदल, योंग लियू, अश्विन मेहता, सत्या भारता मुखर्जी, राम नायक, तेजस पटेल, ओलन चंद्री, राजा गोपाल, दत्ता राय, अंबादास, तोगदान रिनपोंचे, प्यारे लाल शर्मा, चंदेश्वर प्रसाद, उषा उत्थप, विजयकांत और कुंदन व्यास। और दोस्तों ये पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री। आपको ये भी पता होना चाहिए 5+17 22 और दोस्तों पद्मश्री, तो टोटल 132 लोगों को ये अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। हाँ जी, फिर उसके बाद जो है चलते हैं अगले जो है प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अरुणाचल के किस विशिष्ट उत्पाद को GI टैग मिला है? अपतानी टेक्सटाइल, मोनपा, न्याशी, ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, बच्चे खुश हो गए जी, ठीक है, आई एम ए डिस्को डांसर। हाँ जी, तो जल्दी से बताएं अरुणाचल प्रदेश के इनमें से किस प्रोडक्ट को मिला है GI टैग? तो दोस्तों जो है इसका जो सही उत्तर है ये तीनों दोस्तों आपातानी टेक्सटाइल, मोनपा टेक्सटाइल और नईशी टेक्सटाइल, ये तीनों ही तरह का जो कपड़े की किस्म है, इन तीनों को है अरुणाचल के जो है रिसेंटली ही भारत के जो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके द्वारा ये जो है टैग दिया गया है। साथ ही साथ याद रखें किसी भी प्रोडक्ट को जो GI टैग दिया जाता है 10 वर्ष के लिए है दोस्तों ये टैग है वो दिया जाता है। फिर अगला प्रश्न है बताएं 14वीं ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन कहाँ पर शुरुआत हुई है? इसकी रिसेंटली ही कलकत्ता में, विशाखापट्टनम, पुडुचेरी, कोची। ये दोस्तों पुलिस से जुड़े जो कॉम्पिटिशन हैं, जो पुलिस में ऑलरेडी लोग लाख काम कर रहे हैं और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो 18 से 30 जनवरी के बीच ये कॉम्पिटिशन है वो आंध्र प्रदेश के दोस्तों विशाखापट्टनम में है, इसका आयोजन है वो किया गया है। फिर अगला प्रश्न जो है वो है ग्रीन रूम, जहां पर बच्चों और बुजुर्गों की पूरी जानकारी, बच्चों और नौजवानों की पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों, ये किस देश से जुड़ा हुआ है? कहां पर ये ग्रीन रूम है स्थापित हुए हैं? भारत के दिल्ली में पर्यावरण से जुड़े हुए ये रूम स्थापित हुए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो सही उत्तर है वो सी यूक्रेन है। यूक्रेन में इस तरह की शुरुआत हुई है, इसराइल में नहीं बच्चों, यूक्रेन में, क्योंकि बड़े स्तर पर वहां पर बच्चों का और नौजवानों का जो है वो स्थानांतर हो रहा है जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, उनको जबरदस्ती जो है भर्ती किया जा रहा है फौज में, इस वजह से भी एक रीजन है और ये रीजन दोस्तों इजराइल में भी जो है इस वजह से समस्याएं आ रही हैं। फिर कौन सा संगठन शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति जारी करता है? तो ये एनुअल स्टैटिक्स ऑफ एजुकेशन है दोस्तों, हर साल जो है ये एनजीओ जो प्रथम है, एक प्रथम फाउंडेशन, इसके द्वारा ये जो है ये जारी जो है की जाता है ये। फिर रामायण फेस्टिवल है दोस्तों, ये दिल्ली में आयोजित किया गया, 1 महीने तक चलने वाला फेस्टिवल, पूरे भारत भर में जो है ये रामायण से जुड़े इंपॉर्टेंट जो नाटक हैं उनका जो है दोस्तों आयोजन करेगा। फिर 5वां कंट्री दुनिया का कौन सा बना है जिसने जो है दोस्तों चंद्रमा पर जो है वो पहुंचे हैं और उनके स्पेस मिशन का नाम था मून स्नाइपर? कनाडा, जापान, इजराइल या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका उत्तर आपको देना है और अभिषेक ठाकुर ने सबसे पहले उत्तर दिया है जी, सही उत्तर है जापान। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जैक्सा दोस्तों, जैसे भारत में इसरो काम करता है वहां पर जैक्सा काम करता है। फिर फोर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों भारत जो है गोल्ड रिजर्व के मुकाबले में दुनिया में कौन सा जो है स्थान जो है भारत का है? जैसे नंबर 1 USA में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व और भारत 7वें नंबर पे है, 8वें, 9वें या 10वें? तो इसका जो सही जो उत्तर है दोस्तों वो सी है, भारत का जो स्थान है वो 9वां है और इसके अलावा USA रैंक 1, रशिया का जो स्थान है इसमें 5वां है। फिर दोस्तों दुनिया में अफ्रीका की बात हो रही है, तीसरा कौन सा कंट्री बना है जिसको मलेरिया मुक्त जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनाउंस कर दिया गया दोस्तों? युगांडा, सोमालिया, कैबो वर्दिया, साउथ अफ्रीका? तो ये 4 ऑप्शंस हैं और जो है दोस्तों
इस प्रश्न की बात करें तो दो कंट्री जो ऑलरेडी मलेरिया मुक्त हैं वो है मॉरिशस और अल्जीरिया, और इसके बाद कैबो वर्दी, ये जो कंट्री है कैबो वर्दी, इसको जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इसके जो जो डायरेक्टर जनरल हैं फिलहाल जो टेड्रोस अडहानोम, दोस्तों ये उनकी तस्वीर देख रहे हैं, टेड्रोस अडहानोम ने इस कंट्री को भी मलेरिया मुक्त जो है वो अनाउंस कर दिया। नवा पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों इस साल हर साल की तरह अरुणाचल प्रदेश में जो है वो सेलिब्रेट किया गया। फिर बिहार के बाद दोस्तों ये जो जाति गणना जाति जनगणना है वो अब जो है आंध्र प्रदेश जो है उसे जो है करवाने जा रहा है। अब सारे बच्चे मुझे आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी बताएं और आंध्र प्रदेश की ये तस्वीर आप देख रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री का नाम भी आप जो है मुझे जल्दी से जो है बताएंगे। और बिहार जहां पर जाति गणना के बाद पता लगा है कि 63% जो है वो इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन या जो है दोस्तों ओबीसी कम्युनिटी से जुड़े जो बड़े स्तर पर जो है लोग हैं रहते हैं। फिर यहाँ पर बहुत बढ़िया लेकिन दोस्तों जो है हैदराबाद नहीं है जो लाइफ ऑफ पंकज लिख रहे हैं, सही उत्तर जो अमरावती है और जो है मुख्यमंत्री जो है वाईवी रेड्डी। फिर 78वां सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का दोस्तों जो है प्रेसिडेंट कौन है भाई जो कि रिसेंटली भारत में विजिट किया, जिन्होंने मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ आपको, डेनिस फ्रांसिस जो है इनका नाम है जी, ये आप इनकी तस्वीरें देख रहे हैं और इसके एक तरफ ये जो तस्वीर है रुचिरा कंबोज की है जो कि भारत की यूनाइटेड नेशन में जो है रिप्रेजेंटेटिव भी है। फिर जो है सोरैया उपग्रह जो है रिसेंटली ही दोस्तों ये ईरान द्वारा जो है रिसेंटली ही इसको लॉन्च जो है किया गया। फिर जो है भारतीय आर्मी द्वारा जो है दोस्तों साइक्लोन नाम की जो एक्सरसाइज है रिसेंटली इजिप्ट के साथ की गई, और कराइजिस्तान के साथ ये एक्सरसाइज है हिमाचल प्रदेश में हमारे वो दोस्तों हो रही है, उसका जो नाम है वो खंजर है। फिर उसके बाद मोदी जी द्वारा 1 करोड़ परिवारों को ये जो रूफ टॉप सोलर पैनल दिए जाएंगे उस योजना का नाम प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना है। जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसी दिन दोस्तों ये जो है सूर्योदय योजना भी उसी दिन जो है इसको लॉन्च किया गया। फिर जो है पहले इंडियन वुमेन जिसको सऊदी अरेबिया में जॉय अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो ये जो है हमारी एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट जो कि मिसेज जो है रणबीर कपूर भी हैं, और आलिया भट्ट को ये अवार्ड है दोस्तों दिया जाएगा। फिर भाषाओं को दोस्तों कन्वर्ट करने के लिए एक ऐप जो है मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन को प्रमोट करती हुई ये ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इसका नाम क्या है, अनुवादनी ऐप, संदेश ऐप, ई साक्षी ऐप या चैंपियन ऐप, हाँ जी क्या है इसका सही उत्तर जल्दी से बताएं बच्चे, इसका जो सही उत्तर है वो है अनुवादनी ऐप, जिससे कि भारत के 8वें शेड्यूल में जो हमारी 22 भाषाएं हैं सारी भाषाओं को है दोस्तों इजी वे में जो है वो अनुवादित मतलब ट्रांसलेट किया जा सकेगा। फिर जो है X-59 ये दोस्तों सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट रिसेंटली ही नासा द्वारा जो है वो लॉन्च किया माफ कीजिए दोस्तों हाँ जी नासा द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पर बच्चों को जिनको ना पता हो SpaceX एक प्राइवेट कंपनी है जो कि एलन मस्क से जुड़ी है, ब्लू ओरिजन एक प्राइवेट कंपनी है जो जेफ बिजोस जो अमेजोन के संस्थापक है उनसे जुड़ी हुई है, और रोस्कोसमोस रशिया की स्पेस एजेंसी है, और ये दोस्तों क्वाइट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो है ये लॉन्च किया गया रिसेंटली नासा द्वारा। फिर दोस्तों जो है अगला जो प्रश्न है वो है बताएं भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर 2024 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर में जो है नॉमिनेट हुई है, कर्मा किलिंग, एलिफेंट विस्पर, टू किले टाइगर या सुपरमैन ऑफ मालेगांव। आपको पता होगा पिछले साल एलिफेंट विस्पर ने अवार्ड जीता था, इस साल जो इसका जो सही उत्तर है वो है टू किले टाइगर, और दोस्तों ये तस्वीर आप देख सकते हैं टू किले टाइगर की। फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 24 जनवरी को है वो जो है दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। फिर किसके सहयोग से भारतीय जो एयरफोर्स है वो अर्घ सागर में डेजर्ट नाइट नाम का जो एक्सरसाइज कर रही है, फ्रांस, UAE, जापान या दोस्तों फ्रांस एंड UAE, तो इसका जो है सही उत्तर देना है, इस एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट नाइट जो इसको नाम दिया गया है, सही उत्तर जो है इसका वो फ्रांस एंड UAE है। फिर उसके बाद भाई BCCI द्वारा CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर दोनों को जो है दिए गए हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। फिर एंटीबायोटिक दवाओं के जो है ज्यादा प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत जो है रिसेंटली ही केरला सरकार द्वारा है दोस्तों इसको शुरू किया गया है, और ये था हमारा आज का दोस्तों जो है आखिरी प्रश्न। तो यहीं पर आज का सेशन समाप्त हो रहा है, तो पूरे हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ एक्सप्लेनेशन में और कुछ MCQs में आपको करवाने की कोशिश की है, उम्मीद करूंगा सारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो इसे शेयर लाइक जरूर कर दें, और इसका जो PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।